और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहती तो विकास के लिए राशि देती, लेकिन ये राशि को रोकने में लगे हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियों से तकलीफ है और बीजेपी की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं है। अभी फिर से आके झूठ बोल के जा रहे हैं। पहले तो 86 लाख किए थे, फिर 61 लाख कर दिए। अभी हमको खाद्य विभाग से 6000 करोड़ रुपया उसका लेना है हमको चावल से। वो तो आए थे तो दे के जाते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के लोगों का हित चाहते तो पैसा देते तो छत्तीसगढ़ के विकास में लगता। ये तो रोकने में लगे हुए हैं और आके इनको छत्तीसगढ़ से बहुत तकलीफ है। छत्तीसगढ़ से तकलीफ है, छत्तीसगढ़ियों से तकलीफ है। छत्तीसगढ़ महतारी भी मजबूरी में लगाए हैं और वो भी सीढ़ी चढ़ने में मजबूरी में छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीर लगा ली, लेकिन आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। वो जहाँ सीढ़ी चढ़ते हैं ना, पैर लगता है वहाँ पर छत्तीसगढ़ महतारी तस्वीर लगाए। तो हमेशा छत्तीसगढ़ के लोगों को ये पैरे तले रौंदते रहे हैं। इनकी मानसिकता नहीं बदलना है। चोर चोरी जाए, हेरा फेरी से ना जाए, जो कहावत है ना वो ऐसी है। तो इनकी जो मानसिकता है उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब छत्तीसगढ़ महतारी भी याद आ रहे हैं, उनको कौशल्या माता भी याद आ रहे हैं, सब लोग याद आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को हमेशा ये दबाने का काम, कुचलने का काम, और बस्तर जाओ तो बस्तर के लोगों को नक्सली समझ के गोली से भूनने का काम, जेल में ठूसने का काम, यही ये लोग करते रहे।